हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े, वो भी तीन प्रकार से, मतलब हम तीन प्रकार की रेसिपी से दही बड़े बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उड़द दाल को पूरी ओवरनाइट के लिए सोक करके रखेंगे और उसके बाद में हम उसको देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे। हमें रनी नहीं करना, मतलब जो पानी के जैसा नहीं बैटर बनाना, एकदम थिक बैटर बनाना है। उसके बाद में हम इसको बहुत अच्छे से देखिए फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे काफ़ी, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट तक, जब तक कि ये फ्लफ़ी ना हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, उसमें पानी लेंगे और इसका छोटा सा थोड़ा सा पार्ट उसमें डाल के देखें। अगर ये ऊपर ही फ्लोट हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह बैटर तैयार है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टीम वड़े, यानी कि हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, छोटे छोटे जैसे हम इडली को लेते हैं ना, उसी तरीके से हम कोई भी एक मोल्ड ले लेंगे इडली का, उसमें हम इसके छोटे छोटे पीसेस करके रखेंगे और इसको हम स्टीम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई थी कि मेरा जो बैटर था ना, वो थोड़ा सा थिक था, तो आप इसमें थोड़ा सा बैटर अलग करके और इसमें थोड़ा सा नमक और खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो डाल के अच्छे से फेंट लेना और उसके बाद में इडली के जैसे ही इसे स्टीम करना, ठीक है। ये अच्छे से स्टीम हुआ था मगर अंदर से ना इतना अच्छे से सॉफ्ट नहीं था जब ये बना था। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इडली मोल्ड में इसको डाल दिया है, देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, नाइफ़ डाल के हम देखेंगे कि ये अच्छे से पका है कि नहीं पका है। अगर जो हमारा नाइफ एकदम क्लीन आता है, इसका मतलब ये अंदर तक पक गया है। देखिए इस तरीके से नाइफ हमारी मतलब बाहर आनी चाहिए, ये दिखना चाहिए, कोई भी बैटर इसमें नहीं चिपक रहा है। तो मैंने क्या किया है, अभी इसको हम साइड में निकाल लेंगे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही बड़े को सोक करने के लिए जो पानी बनाते हैं वो, यानी कि हम पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम रेड चिली पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे। उसको अच्छे से हम क्या कर लेंगे, घोल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो वड़े हैं स्टीम करने के लिए रखे थे वो निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ, कुछ कुछ तो बहुत अच्छे से स्टीम हो गए थे, अच्छे से फूल गए थे और कुछ कुछ अंदर से टाइट रह गए थे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो हमारा बैटर है उसमें थोड़ा सा पानी मिला के हम उसको थोड़ा पतला करके ही बिल्कुल इडली की तरह ही डालेंगे, तभी ये अच्छे से सॉफ्ट होंगे। उसके बाद में मैं सारे निकालने के बाद में इनको पानी में सोक कर दूँगी, ठीक है। और इसके अब हम बनाते हैं दूसरी तरह के दही बड़े, यानी कि हम इनको गुजिया का शेप देंगे और अंदर से हम डालेंगे इनमें ड्राई फ्रूट, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ मतलब हम इसका जो यूज़ करते हैं ना, वो दही चाट के रूप में करते हैं, मतलब दही बड़ों को एक चाट के रूप में मतलब खाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, जो एक कोई भी एक हम पन्नी या पॉलीथीन ले लेंगे, उसमें हम बैटर को पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी, मुझे भी देखिए डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। मैं कैसे इसको बना रही हूँ आप देखिए, पहले हम इसको अच्छे से एक मतलब गोल आकार दे देंगे, उसमें बीच में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, जैसे हम गुजिया भरते हैं वैसे ही हमें इसको करना है। फिर एक साइड से पॉलीथीन को उठा के दूसरे साइड पर यानी हाफ डिवाइड कर लेना है और उसको जो बिल्कुल साइड के कॉर्नर होते हैं उनको धीरे धीरे से हमें क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। फिर हाथ में लगाना है हल्का सा पानी और इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से उठा के और जो हमने कढ़ाई गर्म की है गर्म तेल में डालना है, लेकिन बी केयरफुल हाँ, क्योंकि हाथ में हल्का सा पानी है तो हमें इसे दूर से ही थोड़ा सा छोड़ना। उसको ध्यान से छोड़ने के बाद देखिए हम इस तरीके से उसे फ्राई करेंगे, यानी कि उसका कलर बिल्कुल गोल्डन हो जाना चाहिए, इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। चलिए अभी हम बना लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा बैटर है उसको। तो यहाँ पे क्या है कि हम गुजियाओं को देखिए, नेक्स्ट टाइम देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं बनता, पर धीरे धीरे जैसे ही आप 2 से 3, 3 से 4 बनाते हैं ना, तो फिर आपको पता हो चल जाता है कि हमको किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले इसको एक गोल आकार में स्प्रेड कर
लिया है। फिर उसके बाद में हमने मतलब फटाफट प्रोसेस चालू हो गई थी। फर्स्ट टाइम में ही थोड़ी डिफ़िकल्टी होती, फिर धीरे 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 हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से हमें ये गुजिया बनानी है। उसके बाद में सारी हम बना के फटाफट और गर्म ऑयल में हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई कैसे करना है आपको पता है, इसे एकदम गोल्डन हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके जो गैस की फ्लेम है ना, वो मतलब लाइक मीडियम होनी चाहिए। हाई रहेगी तो फिर अंदर तक ये नहीं पक पाएंगी। कितने अच्छे से मैंने फ्राई की हुई हैं। उसके बाद में हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, जैसे कि नॉर्मली हम दही बड़ों को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद ही हम इसे नमक वाले पानी में सोक करने के लिए डालेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड रेसिपी, यानी कि थर्ड प्रकार के जो दही बड़े होते हैं वो हम बनाएंगे अभी। तो वो बेसिक जैसे नॉर्मली बनते हैं, यानी कि हाथ में हम जैसे मेंदू बड़े बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर बैटर को हाथ में लेते जाएंगे और बीच में से एक सर्कल बनाकर और उसे ऑयल में हम डालेंगे। तो ये क्या है कि आप सबको पता है कि ये वाले दही बड़े तो आप सबने बनाए होंगे, ठीक है, तो आपको इसके बारे में तो अच्छा खासा नॉलेज होगा। तो ये क्या, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, तो फटाफट ये वाले मेरे बन गए थे। देखिए तीनों टाइप के जो दही बड़े हैं उनको हम एक ही तरीके से सोक करेंगे पानी में, जैसे कि हम नॉर्मल दही बड़े को सोक करते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं दही बड़ों के ऊपर डालने वाला मसाला। तो उस मसाले के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा जीरा, ठीक है, थोड़ी सी धनिया चाहिए हमको, थोड़ा सा चाहिए है सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च और ड्राई लाल मिर्ची जो आती है वो चाहिए। उनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और अच्छे से हम इसका पाउडर बना लेंगे। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं मीठी चटनी। तो मीठी इमली की चटनी हम डेट्स के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़े ऑलमोस्ट हम थोड़ी सी एक कटोरी जैसा हम लेंगे यहाँ पे इमली। इमली को हम सोक कर देंगे और उसके बाद में हम डाल देंगे क्या बोलते हैं डेट्स को, और उसके बाद में उनके डीसीड करने के बाद में हम उनको ग्राइंड कर लेंगे। और यहीं पे मैं देखिए बना रही हूँ हरी चटनी। तो हरी चटनी और जो मीठी चटनी है उसकी डिटेलिंग मैं आपके साथ में नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल आप लोगों को इसकी डिटेलिंग के बारे में पता ही है कि कैसी चटनी में बनाते हैं। पर मैं कैसे बनाती हूँ, यहाँ पर ग्रीन चटनी में मैं थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्ची, नींबू का रस, जीरा और धनिया पत्ता यूज़ करके उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और बाद में मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी दही, ताकि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल ग्रीन आए। उसके बाद में मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। तो देखिए यहाँ पे बन गई है मेरी ग्रीन चटनी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो हमने ग्राइंड किया था मीठी चटनी के लिए पेस्ट, वो देखिए इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, ताकि जो हमारे मुँह में ना खाते समय वो जो रेसे आते हैं ना इमली के, वो नहीं आने चाहिए। तो पहले मैंने डाला है थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरे का तड़का लगाया है, उसके बाद में थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट के बाद में मैं क्या करूँगी, वो जो हमें हमारी चटनी है ना जो पेस्ट बना हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको थोड़ी देर पका लेंगे। अच्छे से हम पकाएंगे ना तो ये क्या है, काफ़ी दिनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा रह गया ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। चटनी को हल्का सा टेस्ट करेंगे, अगर यहाँ पे ज़्यादा खट्टा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर भी मिला सकते हैं। अगर जैगरी पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम गुड़ डाल देंगे और कलर के लिए हम थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे। बाद में मिला देंगे थोड़ा सा नमक और इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे।
देखिए कितने परफेक्ट तरीके से हमारे सारे दही बड़े बने थे। इसमें से सबसे टेस्टी जो था वो था हमारा गुजिया वाला दही बड़ा। वो इतने अच्छे से सोक हुआ था, अंदर तक अच्छे से, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट था, मुंह में डालते ही घुल जा रहे थे। और जो जो रेगुलर वाले थे ये थोड़े से टाइट थे, पर हमारा जो स्टीम वाला था ना वो टेस्ट उसका बहुत अच्छा था। बट मेरे से जो गलती हो गई थी वो मैं आपको आगे ही प्रीवियस बता चुकी हूँ, प्रीवियस क्लिप में बताया था मैंने कि उसमें आपको हल्का सा पानी डालना होगा। और गाइज प्लीज़, अगर आपको मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे।